लोग पूछते हैं कि भाई हमको निगेटिव विचार आते हैं, और बहुत सारे निगेटिव विचार आते हैं, तो उससे हम कैसे बचे, तो उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबंध तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मेंटल पेशेंट्स, मनोविकार और सेक्स रोग संबंध के सब हमारे पास में पेशेंट आते रहते हैं, और रिश्तेदारों के साथ में या रिश्तेदारों के अलावा हम लोगों को भर्ती करते हैं। हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं, ऑनलाइन सलाह देते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, मानसोपचार करते हैं। इसमें काफ़ी सारे सवाल आते हैं, उसमें का एक सवाल मैंने आपके सामने आज लिया। लोग बोलते हैं कि भाई निगेटिव थाट्स बहुत आते हैं। मैं बोलता हूँ कि निगेटिव पॉजिटिव वो थाट तो आते रहेंगे, निगेटिव थाट भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। अब उससे कैसे बचे? देखो, हम कोई भी चीज़ के तरफ, कोई भी वस्तु के तरफ, कोई भी एनवायरनमेंट की तरफ हम देखते रहते हैं, उसको देखते हैं और हम जज करते रहते हैं, हमारा ओपिनियन बना देते हैं, हमारा एक इवेल्युएशन चलते रहता है, अच्छा है कि बुरा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, चालू रहता है हमारा। तो दुनिया में कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं है, कोई भी चीज़ निगेटिव नहीं है, वो तो हम लेबल लगा देते हैं, कुछ भी नहीं। हमारा देखने का नज़रिया है कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। जब हम लेबल लगा देते हैं, नहीं मेरी सासू माँ अच्छी है, नहीं मेरी सासू माँ बहुत झगड़ालू है, नहीं मेरी सासू माँ है ना बहुत ख़राब नेचर की है या बहुत गुस्से वाली है, ऐसा हमने उसको लेबल लगा दिया, तो फिर वो लेबल से ही वो चलती रहेंगी, क्योंकि हमने भी वो लेबल लगा लिया। अभी उनको चेंज होने का कोई चांस ही नहीं है। तो हमने किसी को पॉजिटिव या निगेटिव ऐसा लेवल लगाना और वो ऐसा थिंकिंग करना, यही गलत है। फिर करना क्या है? हमने यदि पॉजिटिव निगेटिव ये उसको लेबल लगाना छोड़ दिया और अपने विचार जो है वो विचारों को देखना चालू किया, वॉचिंग द थॉट, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, वो तो हम ऑटोमेटिक एक रिएक्शन देते रहते हैं, एक लेबल चिपकाते रहते हैं। हमने देखा कि नहीं, मेरे थॉट्स में वॉच कर रहा हूँ और मैं लेबल लगा रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो फिर करना क्या है? जस्ट वॉच द थॉट्स, अपने विचार जो है ना वो देखो, माइंड देखो, माइंड कैसा विचार कर रहा है, दिमाग में कैसे विचार आते रहे, आते जा रहे हैं, कंटिन्यूस विचार विचार आ रहे हैं, और विचारों को देखना आप चालू करो। जब आप विचारों को देखना चालू करेंगे तो आपको समझेगा कि ये विचार ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ऑटोमेटिक आ रहे हैं, चालू है, चालू है। जब कोई एक आधा विचार आता है, समझो मैंने एक गुलाब का फूल, एक उसका विचार किया मैंने, गुलाब का फूल। अब गुलाब का फूल ऐसा विचार किया, या सासू माँ, अभी वैसे वैसा मैंने एक विचार किया। अब सासू माँ को लेके समझो एक थॉट आ गया, तो वो थॉट है, वो थॉट है, एक थॉट आ गया, एक विचार आ गया। अब उसको लग के एक सीरीज ऑफ थॉट्स जब आना चालू हो जाता है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, सासू माँ अभी एक विचार आ गया, उसको लेके जब चालू हो गए थॉट्स एक के पीछे एक आना, तो वो हो गया थिंकिंग, वो हो गया थिंकिंग, और वो कोई रिलेवेंस नहीं रहता। फिर और कहीं भटक जाएगा हमारा दिमाग, फिर और कुछ तो भी नए आ जाएगा, फिर वो सासू माँ के घर पे चले जाएंगे, उसके भाई बहन के प्रति चले जाएंगे, मतलब कहाँ से कहाँ थिंकिंग चले जाएगा, हमको पता ही नहीं, और हम विचार करते रहते। तो वो थिंकिंग यदि पैसिव है तो हमको प्रॉब्लम है, क्यों थिंकिंग चालू है, चालू है, चालू है विचार। अब आपको यदि रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि जो थिंकिंग है उसको मैं ऑब्जर्व करूँ, उसको मैं वॉच करूँ, उसको मैं देखूँ। और जब आप थॉट्स को या थिंकिंग को जब आप देखना चालू करेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा कि ये विचार जो है ना, ये धीरे 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 शांत हो रहे। आप एक्टिवली जब विचार करते हैं, मतलब क्रिएटिवली जब आप थिंकिंग करते हो, क्रिएटिवली थिंकिंग मतलब राइट नाउ, अभी समझो मैं एक कदम अभी डाल दिया, तो कदम डाल दिया तो वो कदम डाला हुआ है, इसको कदम डालना बोलते हैं। मगर एक के पीछे एक के पीछे एक मैंने कदम डालना चालू किया तो उसको बोलते हैं वॉकिंग। तो एक थॉट है, थॉट से शुरुआत हो गई और बाद में फिर थिंकिंग चालू हो गया, और मैं उसको एक तो पैसिवली थिंकिंग कर रहा हूँ या फिर एक्टिव थिंकिंग कर रहा हूँ। और एक्टिव थिंकिंग मतलब मैं एक थॉट के ऊपर फोकस करके उसके ऊपर क्रिएटिवली सोच समझ के विचार कर रहा हूँ, और विचार करके खुद मतलब वॉलेंटरी थिंकिंग करके उसके बारे में सोच रहा हूँ, वो थिंकिंग हो गया, और वो थिंकिंग मैं कर सकता हूँ। यदि मैं वॉच करता हूँ तो मुझे समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, कौन देख रहा है वो थॉट्स को, थॉट्स कैसे आ रहे, क्या मैं सोच समझ के क्रिएटिवली मैं खुद विचार कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिक आ रहे। ऑटोमेटिक जो आ रहे हैं वो हो गया एक्चुअली थॉटिंग, थॉटिंग हो रहा है, थॉट्स अलग 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 आ रहे हैं, आपका विचार भी नहीं है, आप सोच भी नहीं रहे, कहीं का कहीं मन भरकट रहा है, टोटल एसोसिएशन कुछ भी नहीं है, और कहीं भी अपने विचार जा रहे।
और जब हम क्रिएटिवली सोच समझ के ऐसे एक को पीछे एक लग लग के बराबर हम सोच रहे और विचार ला रहे, प्लानिंग कर रहे, कोई विचार ला रहे, तो वो थिंकिंग हो। तो वो आपको जब मालूम नहीं है, आप अवेयर नहीं हो, और बिना अवेयर होते जब चालू है एक के पीछे थॉट्स, तो वो जो है वो डे ड्रीमिंग है या थॉट्स है, वो ओवर थिंकिंग है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है। मगर आप अवेयर हो, सोच रहे हो, सोच समझ के ध्यान लगा के उसके बारे में, एक आधे टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? उल्टा तो उससे कुछ ना कुछ नया बाहर निकलेगा, तो वो जरूरी है। तो आपको जीवन में यदि शांति चाहिए, समाधान चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, तो कम बोलो, अंदर भी कम बोलो, बाहर भी कम बोलो। और अंदर कम कैसे बोलो? अंदर थॉट्स की स्पीड कैसी कम हो जाएगी? शांति से आप बैठे हो, दिन में 5-10 बार ये प्रैक्टिस करो, शांति से बैठ रहे हो, एंड जस्ट वॉच योर थॉट्स, आपके विचारों को जस्ट देखो कैसे आ रहे, आप या स्पीड कम हो जाएंगे, आपको शांत लगेगा, रिलैक्स लगेगा। और फिर जब आप सोचेंगे वो स्टेज में, तो ऐसा सोचो कि उसमें आप इन्वॉल्व है, ना कि वो ऑटोमेटिकली थॉट्स आ रहे हैं। जैसे क्रिएटिव थिंकिंग बहुत काम का है, उसमें कुछ ना कुछ नया निकलेगा, नई खोज, नया इन्वेंशन पॉसिबल है, और आपको तकलीफ भी कम होगी। तो आपको जीवन में शांति चाहिए, पावरफुल जीवन जीने का है, समाधान चाहिए, आनंद चाहिए, कम बोलना है, ज़्यादा सुनना है, अंदर कम बोलना है और बाहर भी कम बोलना है। और अंदर कम बोलने के तरीके मैंने बताया, ये आप जरूर करो तो जरूर आपको एक नया जीने का अंदाज़ मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आप कभी किसको भेज देते हैं ना, तो उनको हम ऑनलाइन भी काउंसलिंग करते हैं, मानसोपचार करते हैं, हिप्नोसिस का उसके बारे में हम काउंसलिंग करते हैं लोगों को, और बताते कि कैसा करना चाहिए सेल्फ हिप्नोसिस। तो जरूर ये वीडियो लोगों के, आपके परिचित लोगों काम में आ जाएगा, ताकि उनको उनके जीवन में संभव है कि हम रिलैक्स कैसे लें, समाधान सुख शांति से कैसे जिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।